एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इसी बीच विस्तारवादी सोच वाला चीन लगातार अपने झूठ फरेब से भारत के साथ छल करने में लगा है। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच हालात और तनावपूर्ण होते जाएं। दरअसल रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक दो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीनी सैनिक भारत के साथ लगने वाले पश्चिमी हिमालय फ्लैश पॉइंट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक नेटवर्क बिछा रहा है। चीनी सैनिकों ने यह हरकत ऐसे वक्त पर की जब मौजूदा गतिरोध को हल करने के इरादे से लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की माने तो हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में पेंगोंगसो झील के दक्षिण में ऐसे केबल पाए गए जो बॉर्डर पर आगे की पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को पीछे उनके बेस तक संचार की सुरक्षित लाइन्स उपलब्ध कराते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक फिलहाल चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झील के दक्षिण में 70 किलोमीटर लंबे मोर्चे तक टैंक और विमान के साथ हजारों भारतीय और चीनी सैनिक तनावपूर्ण हालातों के बीच तैनात हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर गतिरोध बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय अधिकारी की माने तो दोनों देश के विदेश मंत्रियों की पिछले महीने जो बैठक हुई थी उसके बाद से किसी भी देश ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा पर हालात पहले जैसे ही तनाव भरे हैं। एक अधिकारी ने झील के दक्षिणी इलाके का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी बड़ी चिंता ये है कि उन्होंने हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हुए हैं। आपको बता दें कि झील के दक्षिणी हिस्से में दोनों देशों के सैनिक चंद मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो काफी तेजी से दक्षिणी तट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं। वहीं दूसरे अधिकारी की माने तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे ही केबल लगभग एक महीने पहले पेंगोंगसो झील के उत्तरी इलाके में भी देखे थे। सरकारी अधिकारी ने कहा कि पेंगोंगसो के दक्षिण में ऊंचाई वाले सैटेलाइट इमेज के जरिए रेत में अजीब सी लाइन देखे जाने के बाद तुरंत सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इन लाइन्स को भारतीय विशेषज्ञों ने देखा और विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि ये खाइयों में बिछाई गई कम्युनिकेशन केबल थी। ये लाइन्स स्पांगगूर खाई के पास पहाड़ी इलाके के बीच भी देखी गई जहां सैनिकों ने हाल ही में दशकों में पहली बार एलएसी पर हवा में गोलीबारी की थी। पिछले हफ्ते मॉस्को में दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब दोनों देशों के बीच का ये विवाद आगे क्या नया मोड़ लेता है ये देखने लायक होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।